जो समझदार बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैंने इसको एनसीईआरटी से काटा है, तो वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैंने इसको अभी अभी ताजा ताजा एनसीईआरटी से ही काटा है। अब बात है इसको याद कैसे करें, तो देखो हम पहले याद करेंगे जो इस सर्कल के अंदर लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है? एम्प्लिसिन रेजिस्टेंस, ओराई, रोप और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। और फिर बाद में याद करेंगे जो सर्कल के बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, देखो मैं कोई भी ट्रिक बताता हूं तो उसको दो तीन बार उसी टाइम पे रिवाइज किया करो, क्योंकि क्या होता है हम कोई भी ट्रिक देखते हैं तो नेचुरल सी बात है कि वो पहली बार में हमें थोड़ा अजीब सी लगेगी, तो उसी टाइम पे उसको दो तीन बार रिवाइज कर दिया करो ताकि वो उसी टाइम पे याद हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सर्कल के अंदर की बात हो या बाहर की बात हो, हम दोनों ट्रिक अपनी यहां से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे और ऐसे जाएंगे। सिंपल है, यहां से शुरू करेंगे और ऐसे घूम जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल के अंदर की बात करते हैं। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, आपने ब्लड वाले चैप्टर में, हार्ट वाले चैप्टर में देखा होगा, वहां पे अयोर्टा होता है। अयोर्टा, अब नेट पे जाके देख लो क्या होता है, अपनी बुक में एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है अयोर्टा। अब देखो मैंने क्या बोला था, यहां से शुरू करेंगे और ऐसे घूम जाएंगे। अब ए से एम्प्लिसिन रेजिस्टेंस वाला हो गया, ओ से ओराई हो गया, आर से रोप हो गया और टी से क्या हो गया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो ये ए हम पहले यूज कर चुके हैं तो ए का कोई यहां पे मतलब नहीं है क्योंकि ए हमने ऑलरेडी यूज किया है। ठीक है, एम्प्लिसिन रेजिस्टेंस, फिर ओराई, फिर ये रोप, फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो हमने ऐसे इसको पूरा फ्लो में याद कर लिया, ये अपनी सर्कल के अंदर की ट्रिक कंप्लीट सिंपल है। अब देखो सर्कल के बाहर वाली चीजों को कैसे याद करें, देखो बहुत सिंपल ट्रिक है। एक लड़का है, नीट की तैयारी करता है, लड़के का नाम है पवन। पवन नीट की तैयारी कर रहा है 2 साल से, पर 2 साल से उसका नीट क्लियर ही नहीं हो रहा, मतलब 2 साल की पढ़ाई के बाद भी उसे सिर्फ बीएमएस मिली है। ठीक है, लड़का है पवन, पवन 2 साल से नीट की तैयारी कर रहा था, उसे 2 साल की मेहनत के बाद भी सिर्फ बीएमएस मिली। अब इसमें किसका दोष है, पवन का दोष है या किसका? पवन की तो कोई गलती नहीं है क्योंकि वो तो बेचारा 2 साल से पढ़ाई कर रहा है, तो इसमें सिस्टम में कसूर किसका है, दोष किसका है? हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम का, कि एमबीबीएस की सीटें कम है और कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है। ठीक है, टेंशन मत लो, ये 1 किस में है, 2 किस में है, 3 किस में है, ये भी पूरा ट्रिक में कवर हो जाएगा। तो अपनी ट्रिक को अप्लाई करते हैं। देखो पवन स्टडीज पूरे 2 साल से कर रहा है, सिंपल है, पवन स्टडीज पूरे 2 साल से कर रहा है, पर फिर भी उसको क्या मिली, सिर्फ बीएमएस, उसको एमबीबीएस नहीं मिली। ठीक है, पवन स्टडीज पूरे 2 साल से कर रहा है, उसको फिर भी क्या मिली, बीएमएस। अब इसमें दोष किसका है, कसूर किसका है? हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, पवन स्टडीज पूरे 2 साल से कर रहा है, फिर भी उसको मिली बीएमएस, इसमें कसूर किसका है, हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम का। अब देखो ये PV2 है इधर, तो PV से पहला होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, कॉमन सेंस है, PV2 इधर है तो 1 इधर होना चाहिए। अब ST में इससे हमें याद आ जाएगा ये PST। ठीक है, अब देखो हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, तो इस पे 1 लगाने से काम नहीं चलेगा, हमें इस पे मैक्सिमम करना पड़ेगा। मैक्सिमम कितना? 3। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है इसलिए इसको हमने मैक्सिमम नंबर देना पड़ेगा 3, और बाकी सब में क्या कर दो, 1 कर दो। अब देखो PVU2 है, अपना ट्रिक में कवर हो गया, HIND3 है, अपना ट्रिक में कवर हो गया, बाकी सारे क्या है, ऑटोमेटिकली सारे 1 कर दो। थैंक यू।